अरे भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया, थोड़ा निपट आए। अरे अपनी जान के दुश्मन, लाख बार समझाएं मगर मानोगे नहीं, अपनी जान का खुद ही खतरा बनोगे। लेकिन शौच करने से जान का खतरा कैसे? खुले में शौच करोगे, बीमार पड़ोगे और पैसे भी खर्च होंगे। शौच करने से बीमार पड़ेंगे? अरे अकल के दुश्मन, शौच करने से कोई बीमार नहीं पड़ता है, खुले में शौच करने से बीमार पड़ते हैं। तुम तो शौच करके चले आओगे, उसके बाद टीबी, कोलाइट, पीलिया जैसी बीमारियां धीरे धीरे तुम्हारे घर तक आ जाएंगी। वो कैसे भैया? मक्खी, जानवर, ऐसे कई माध्यम हैं जो खुले में शौच करने के बाद तुम्हारे घर तक आ जाएंगे और तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे। तब क्या करें इसके लिए? शौचालय का इस्तेमाल करो, नहीं है तो शौचालय का निर्माण कराओ। अब तो कई जगह से आर्थिक मदद मिलती है शौचालय के लिए। शौचालय का इस्तेमाल करोगे तो स्वस्थ रहोगे, काम में मन लगेगा और चार पैसे भी बचेंगे भाई। अरे भैया, ये सब तो हम सोचे ही नहीं थे। खुले में शौच आपके और आपके परिवार के लिए कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए। हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के 188,000 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण खुले में शौच करना है। बुखार, उल्टी और डायरिया, क्षय रोग, पीलिया और कोलाइटिस, अग्नाशय जैसे घातक रोग खुले में शौच करने से फैलते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग खुले में रोड के किनारे या फिर रेलवे ट्रैक्स पे शौच करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उस शौच के द्वारा हम जल प्रदूषित करते हैं, वहाँ की आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं और उस वजह से जो भी लोग वहाँ पे आसपास होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सलाह ये है कि खुले में शौच ना करें, शौचालय बनवाएं या जिनके यहाँ शौचालय हैं वो शौचालय का इस्तेमाल करें और सभी बीमारियों से मुक्त रहें। मक्खियाँ खुले में पड़े शौच पर बैठती हैं और हमारे घरों में आकर उसे छोड़ जाती हैं। सड़क किनारे पड़े शौच वाहन के पहिए पर लगते हैं और हमारे घरों तक पहुँच जाते हैं। पालतू और आवारा जानवरों के माध्यम से भी मल वापस घरों तक आ जाता है। मल के संपर्क में आ जाने से भूजल भी प्रदूषित हो जाता है। अब समझ में आया खुले में शौच कितना खतरनाक है? तो अब क्या सोचा है? खुले में शौच करके समाज में हंसी का पात्र बनना है, बच्चों के लिए खतरा बनना है, या शौचालय का इस्तेमाल करके समझदार बनना है?